तो हम सलमान संजय दत्त की बातें करेंगे और कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जिनके राज शायद आज पहली बार आप लोगों को पता चलेंगे, क्योंकि बैड बॉयज की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि हम शुरुआत सलमान से करते हैं, फिर एक एक करके हम जाएंगे। एक बड़ी फेमस फाइट हुई है, सलमान शाहरुख की फाइट, सिर्फ एक। सो हम शुरू करते हैं, जो सलमान शाहरुख का झगड़ा हुआ था जो वर्ल्ड फेमस है, खान वॉर करके, क्या हुआ था उस दिन, ऐसा क्या कहा था सलमान ने या शाहरुख ने, या क्या वाकई आमिर आए थे उनका बीच बचाव कराने, क्या हुआ था उस रात? आमिर तो नहीं आए थे बीच में। आमिर तो कभी किसी का मतलब पैचअप कराने आते हैं, वो खाली दूर से बैठ के तमाशा देखते हैं, आग लगाने आते हैं। पता नहीं अभी उनकी पॉकेट में तेल की बॉटल थी या नहीं, तो लगा ही देते हैं आपके ऊपर तेल। बट जहाँ तक ये बात है, देखो इन्होंने कितने साल आपस में बात नहीं कही थी, तो इतनी सारी थ्योरीज बॉलीवुड में चलती रहती हैं कि कटरीना की वजह से हुआ, कटरीना की पार्टी थी, शाहरुख खान ने कटरीना के बारे कुछ कह दिया, या फिर शाहरुख ने ऐश्वर्या के बारे कुछ कह दिया, यू नो ये थ्योरीज हम इतने साल से सुनते आ रहे हैं, बट एक्चुअली आई थिंक दिस इज सो फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ। दिस वॉज नॉट अबाउट कटरीना, दिस वॉज नॉट अबाउट ऐश्वर्या, एक्चुअली बहुत छोटी सी बात थी जो इतनी बड़ी बन गई। लेकिन जब हम ड्रिंक करके पार्टीज में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं ना, तो तभी ईगोज बहुत हाइटेंड हुए पड़े होते हैं, ईगोज बहुत बड़े हो जाते हैं, तो अक्सर लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं। अब जब दुखती रख पर हाथ रख देते हैं, तो क्या उस रात सलमान की दुखती रख पर किसी ने हाथ रख दिया था, या सलमान ने किसी की दुखती रख, सलमान ने किसी की अच्छी बड़ी रख जो चल रही थी उसको जबरदस्ती जाके दुखा दिया है। तो सलमान was obviously nice and you know happy with his drinks and so was Shahrukh. तो सलमान ने शाहरुख से, शाहरुख का तब शो आता था पांचवीं पास, क्या आप पांचवीं पास से तेज हैं, ये नाम था। तो उन्होंने उनसे पूछ लिया, क्या आप पांचवीं पास से तेज हैं? तो शाहरुख को आया गुस्सा, तो उन्होंने वहां पे छोड़ी नहीं बात सलमान ने। तो सलमान ने कहा, क्या आप तेज हैं, बताओ मुझे। और फिर सलमान को शाहरुख भी जवाब देने से तो रुकते नहीं है, नहीं है। तो उस पहले तो सलमान ने कहा कि यू आर अ वेरी सेल्फिश मैन, उन्होंने शाहरुख से कहा। अच्छा, आप तभी किसी को फोन करते हो जब आपको मतलब होता है, जब आपको मतलब नहीं होता ना तो आप किसी को फोन नहीं करते हो। हाँ। तो फिर शाहरुख भी तो चुप नहीं रहने वाले ना। हाँ। तो उन्होंने 10 का दम जो सलमान का शो था उसके बारे में मजाक उड़ाई। ओके, तो सलमान और प्रोवोक हो गए, तो उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू पंच यू राइट नाउ, और तुम बहुत सेल्फिश हो। एक्चुअली वो सलमान अंदर से सुलग रहे थे, ही वाज अ लिटिल अपसेट, एंड जब उन्होंने कहा कि आप बहुत सेल्फिश हो और आप तभी फोन करते हो जब आपको मतलब होता है, उनका मतलब एक इंसिडेंट से था। उन्होंने शाहरुख से कहा था, उनकी अपकमिंग फिल्म थी आर के, तो उन्होंने कहा था कि आप मेरी फिल्म में कैमियो कर दो तो इट विल हेल्प माय फिल्म। तो शाहरुख ने मना कर दिया, मे बी जेन्युइनली ही डिडंट हैव टाइम और सम रीजन, बट उन्होंने मना कर दिया। तो सलमान बहुत सेंसिटिव है एज ए ह्यूमन बीइंग, आई मीन लोग सिर्फ सलमान की बुरी साइड देखते हैं या जज करते रहते हैं उनको, बट उनका एक बहुत सॉफ्ट हार्ट भी है, जो उनको जानते हैं वो समझते हैं उनको। तो सलमान बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, ही इज नॉट जस्ट वायलेंट, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो जब शाहरुख ने उनसे कहा, सलमान ने उनसे कहा कि आप मेरे फिल्म में कैमियो कर दो, तो शाहरुख ने मना कर दिया फॉर वॉट एवर रीजंस। तो फिर यू नो जब सलमान की ओम शांति ओम आ रही थी, तो शाहरुख ने सलमान से कहा था मेरे कैमियो कर देना, तो सलमान ने हैप्पीली कर दिया। तो अब उन्हें बड़ा बुरा लगा कि मेरे फिल्म के लिए इन्होंने कैमियो मना कर दिया, मुझे यूज करके अब मना कर रहे हैं। That was the reason. There was no Katrina fight. There was no Aishwarya fight. That's when Salman got angry and he said, "I'm gonna punch you and slap you." तो तब गौरी और कटरीना बीच में आए
और सलमान को वहीं पे ऑफकोर्स उनकी पार्टी थी, वो कहाँ जाते, तो दे टुक शाहरुख होम, गौरी टुक शाहरुख होम एंड दे डिसाइडेड कि फाइट आगे ना बढ़े, एक्सीडेंट ना हुए. तो ये सबसे अंदर वाली वर्जन है कहानी की. ये सब इट वॉज नॉट अबाउट गर्ल्स, इट वॉज नॉट. सब कहते हैं कि शाहरुख सेड समथिंग वेरी चीप अबाउट ऐश्वर्या और शाहरुख सेड समथिंग वेरी चीप अबाउट कैटरीना. मैं सोच ही नहीं सकती हूँ कि शाहरुख किसी लड़की के बारे चीपली बात करेंगे. आई कैन नॉट इमेजिन दैट. तो मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों को पहली बार ही पता चला होगा कि उस दिन लड़ाई की वजह क्या थी. लेकिन सलमान के साथ किससे लगे रहते हैं, मतलब उनके किससे रणबीर कपूर के साथ हैं, उनके किससे सुभाष भाई के साथ हैं, बहुत सारे किस्से हैं उनके. मुझे याद आ रहा है कि रणबीर कपूर से भी उनका एक बार कुछ ऐसा झगड़ा हुआ था. क्या क्या था वो, कैसे शुरू हुआ? तो बेसिकली आई थिंक ये सब जब रणबीर को भी उन्होंने थप्पड़ मार दिया था, तो प्रॉब्लम कटरीना नहीं थी तब तक. कटरीना अभी तक सीन पे नहीं आई थी रणबीर की लाइफ में, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन जाती है. तो सलमान और रणबीर के बीच ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि जब सलमान रणबीर का नाम साथ में आता है तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है कटरीना की वजह से हुआ होगा. नहीं, ये कटरीना से पहले की बात है. और वहां पे 3 bad boys, मतलब सबसे लीथल कॉम्बिनेशन, एक रणबीर कपूर, एक संजय दत्त और एक सलमान खान. तो आप सोच सकते हैं कि पहली बात तो कितनी चढ़ाई होंगी बोतलें उन्होंने. पता नहीं बार में ड्रिंक्स बचे भी थे या नहीं. तो ये लोग एक नाइट क्लब में थे और बातें कर रहे थे, एंड रणबीर कपूर एंड सलमान खान दे डिसएग्रीड ऑन समथिंग. तो प्रॉब्लम वहां से शुरू हुआ. तो रणबीर भी रणबीर है, वो भी कोई कम नहीं है. तो सलमान और रणबीर का डिसएग्रीमेंट हो गया. तो बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सलमान ने अपना ट्रेडमार्क थप्पड़ रणबीर को जड़ दिया. तो फिर ये फाइट इतनी बढ़ने वाली थी, इतनी बढ़ने वाली थी, तो संजय दत्त ने बीच में आके उन्हें रोक दिया. लेकिन रणबीर ने, वो थोड़े से शर्मिंदा हो गए, और बिकॉज संजय दत्त बीच में आ गए, वो अपना बदला नहीं ले पाए. और वैसे भी सलमान की बॉडी तो इतनी है, और तब रणबीर तो ऐसे थे, तब उनके मतलब डोले शोले नहीं थे, बाइसेप्स और ये, हाँ, जैसे अब उनको आपने एनिमल में देख रहे हो, वैसे उनकी बॉडी तब नहीं थी. काफी यंग भी थे वो तब. तो सलमान तो बहुत गुस्से में थे. तो पता नहीं, शायद संजय ने उनको एडवाइस दी रणबीर को कि आप यहाँ से चले जाओ, या फिर व्हाटएवर. कहा जाता है कि रणबीर थोड़े एम्बैरस हो गए कि मैंने पब्लिक में थप्पड़ खा लिया है. हालांकि जिस बार में वो थे उसमें सलमान खान का भी स्टेक है. अब तो वो बार शायद बंद ही हो गया वो नाइट क्लब, लेकिन उनका भी स्टेक था. और एक वीआईपी सेक्शन था, तो इतने लोगों ने देखा भी नहीं कि रणबीर कपूर को थप्पड़ पड़ा है. लेकिन वो बहुत एम्बैरस हुए, वहां से वो फटाफट निकल गए. तो ये सेकंड थप्पड़ था. तो बनाने वालों ने तो कहानी ऐसे भी बना ली होगी कि उस थप्पड़ का बदला रणबीर ने कैटरीना को डेट करके लिया. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जितने भी सलमान के थप्पड़ हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर जस्टिफाइड. अच्छा, ओके. अब हम एक और थप्पड़, मतलब पहली जो लड़ाई थी शाहरुख खान की उनकी, वहां पे तो थप्पड़ तक बात पहुंची नहीं, पहुंची नहीं थी. मतलब गौरी वगैरह सब थे, तो उन्होंने रोक लिया.